इधर आओ, इधर चलो आगे बढ़ो। सुनिए, इस कुश्ती में जो है, सुन लो मेरी बात, इस कुश्ती में जो है थोड़ा समय रह गया, अगर दोनों जो है बिल्कुल देसी घी खाने वाले तो कुश्ती का फैसला यानी 5 मिनट बीत गए, 1 मिनट शेष रहा, पहलवान 2 मिनट में बहुत अच्छा, अभी भी जम कर लो, जिदारी करो, दोनों जो है एक ही काटी के पहलवान मिल गए हैं, जब दोनों का जुड़ जब लग जाएगा तो फैसला जो है चाहे दिन निकले चाहे दम निकले, लेकिन फैसला अपने सामने नहीं आएगा। माननीय श्रीमान श्री ओम प्रकाश यादव जी आज के मुख्य अतिथि खड़े मंच पे बैठे हुए हैं, मैं बड़े भैया को धन्यवाद दे रहा हूँ जो इस दंगल को चार चांद लगाने के लिए माननीय श्रीमान श्री लाल बाबू यादव जी के देख रेख में उपस्थित हुए। धोबी का इशारा लेकिन काम नहीं हुआ, छोड़ो 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 छोड़ो, आप देखिए मात्र जो है आधा मिनट रह गई कुश्ती, आधे मिनट यानी 30 सेकंड, 30 सेकंड में देखिए क्या होता है। बारे बेटा वाह, जिदारी का नाम पहलवानी है, पहलवानी का नाम जिदारी है, दोनों जो है बड़े जिदार है। जेपी यादव दंगल के स्पेशलिस्ट चंपारण से चल के आए हुए है, मंच के ऊपर बैठे थे लेकिन अखाड़े पे आ गए, ये बड़ी जुझारू कुश्ती है, बड़े बेहतरीन दोनों बच्चे हैं, इनकी कुश्ती के लिए मैं अखाड़े पे चलूंगा, ताली बजा दिया जाए। जेपी यादव बुलाते हैं भैया, पूर्वांचल के सभी पहलवानों को बुलाते हैं, हिंदुस्तान के जितने पहलवान सबको अष्टमी के दिन बुलाते हैं चंपारण के स्वतंत्र पे। इसी क्रम में सेवा समाप्त कुश्ती बराबर जोरदार ताली बजा दिया जाए भैया, कसम बता रहा हूं जिदार से ललक से होना चाहिए कुश्ती का मजा आ रहा है, लोहा से लोहा टकरा रहा है चिंगारी निकल रही है, लोहा से लोहा टकरा रहा है चिंगारी निकल रही है, फैसला देखिए क्या होता है। बड़ी जिदार कुश्ती जो है चल रही है भैया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत जुधारी कुश्ती चल रही है, बहुत अच्छा। आज की कुश्ती रोमांचक कुश्ती जो है आपको देखने को मिल रही है, ये कुश्ती जो है स्टेडियम के अंदर अगर होती तो बड़ा मतलब जो है आप लोगों को टिकट लेना, 1 लाख की कुश्ती हो जाती। जेपी यादव जी बोल रहे हैं कि अगर ये कुश्ती स्टेडियम में हुई होती तो यहाँ इन्हीं दोनों पहलवानों पर इतनी टिकट भी चल गई होगी, और इस दंगल में कम से कम रुपए का पहलवान दिखाई देते हैं भैया, जो ये कुश्ती विश्वास दिला रहा हूँ आपको। अंतिम राउंड में कुश्ती चल रही है, यानी दिया गया समय 10 मिनट का, 9 मिनट बीत गया, 10वें मिनट में कुश्ती चल रही है। मिशन स्वास्थ्य भारत, भारत समुदाय भारत, भारत ज्ञान डीलर बड़े भाई मकसूद भाई आसमी जो हमारे बड़े भाई जो है यहाँ उपस्थित हुए गोपालगढ़, मैं उनको धन्यवाद, बहुत अच्छा बात, क्या बात है। बहुत अच्छा, अरे अंतिम घड़ी है, कुछ तो कर लो जितेंद्र पहलवान, कुछ तो कर लो हरियाणा का पहलवान, अंतिम क्षण की घड़ी की जुस्तियां चल रही है, क्या भैया बताइए। अरे जी अरे बेटा वाह, एक तरफ अनाड़ी है एक तरफ सनाड़ी है, ललका मरीचा बड़ी तीत होला, देखन में छोटा लागे घाव करे कर रही, आई देखा छोटका जनबा फेटी के तरह बा, लेकिन इतना बड़ा बड़ा बता के का बतावे ला, बहुत अच्छा बा, जे भी भैया का इशारा हो रहा है, क्या बात है, कहीं छुड़ाइए छुड़ाइए ऊपर से कराइए, छुड़ाइए ऊपर से कराइए, ऊपर से कराइए, चलो भाई ऊपर से, मात्र जो है आधा महीना 30 सेकंड की कुश्ती है और 4 कुश्ती बड़ी जोर की, बहुत अच्छा बाप बेटा बा, अरे बाप बेटा बा, बच्चो 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 दबाओ, तुम दबाओ, बच रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन देखिए क्या होता है, वाह वाह, दोनों जो है बड़े जुझारू है भैया, यानी 30 सेकंड की कुश्ती थी, अगर फैसला नहीं हुआ तो आधा मिनट फिर बढ़ाएगा, लाल बाबू यादव जी बता रहे हैं कि अगर फैसला नहीं होगा तो कोई इनाम भी नहीं देंगे, अगर फैसला होगा तो इनाम देगा, छोड़ो ऊपर से चलो, अगर दोनों पहलवान सुन लो कान खोल के, अगर ढाक ढाव मार के जो जिद किया 700 रुपए का इनाम मेरे पास रहेगा, और ढाक बताओ मारेगा तो
बता दे रहा हूँ, चलो तेजी बनाओगे तो कुश्ती का फैसला होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मात्र आधा मिनट, 700 रुपए का इनाम है आधा मिनट के लिए। बहुत बढ़िया मारे भैया, वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं अभी जो है इसी क्रम में बोलिए भैया, जे भी भैया का इशारा खबर कुश्ती करा दीजिए। बोलिए क्या हुआ रेफरी साहब? नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गई कुश्ती। 700 रुपए का इनाम के बाद यह कुश्ती हुआ है, इसलिए इनाम को जो है क्लोज कर लिया गया। इनाम में इनाम दिया जाएगा इन लोगों का। बहुत अच्छा, चलिए सर्दी बेचने वाले अभी तो लोग जिंदा है जो असली घी पहचान या घी पहचानने वाले लोग बैठे हुए हैं। चलो भैया चलो इसी क्रम में बीच में चलो। आए हाय हाय क्या बात है, इसी क्रम में, इसी क्रम में जो है, चलो ठीक है बचो बचो, बचने की कोशिश करो। इस टाइम कब्जा बनाए हुए पहलवान का, पहलवान देवरिया के पहलवान पे कब्जा बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा, छोड़ो 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 छोड़ो, चलो बीच में चलो। अरे सुनो पहलवान, अरे लगातार कांच की बोतल शराबी उसको कहते हैं, पटक कर पहलवानी उसको कहते हैं यार, काम करो जिदारी करो सालू पहलवान। बीच में चलो, बीच में चलो, यानी तीन मिनट बीत गया, चौथे मिनट चलने लगी, चौथे मिनट उसकी चलने लगी। और माइक माइक इसमें बैटरी डाल दो, सालू सालू पैतरा सुनो रामदेव, सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो। अच्छे पहलवान उसी को माना जाता है जो खींच के अंदर लाए, बाहर भागता है खींच के अंदर लाओ, तब जाकर के कुश्ती का फैसला होगा। बहुत बढ़िया भाई बेटा, माँ क्या काम किया था, जिदारी किया था। हरियाणा के सजनी से यानी गोरखपुर में कांग्रेस ध्यान भैया रेलवे में जो है पहलवान अमित पहलवान जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। चलो चलो तालियों की गगाहट से स्वागत किया जाए, यही रहे इंटरनेशनल पहलवान अमित पहलवान हरियाणा के सजनी से, और साथ में राजन भैया DLW बनारसी काशी विश्वनाथ के नगरी से चल के आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि बड़े भैया राजन जी जरा खड़े पाने का काम करें, राजन पहलवान DLW बनारसी। इसी क्रम में साथ में सुरेंद्र पहलवान कहूंगा खड़े पलाने के लिए, जरा जोरदार ताली बजाया जा, यही राजन पहलवान जो काशी विश्वनाथ के नगरी से चल के आए हुए है, बेहतरीन लड़ने वाले पहलवान राजन पहलवान काशी विश्वनाथ की नगरी जो DLW बनारसी, और साथ में सुरेंद्र पहलवान। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि परवना से जो चल के आए हुए बच्चन पहलवान और जितेंद्र पहलवान महाराजगंज हमारे जो है नेताजी बैठे हुए हैं, छावनी से चल के आए हुए हैं, धन्यवाद दे रहा हूँ जो थंगल को चार साज लगाने के लिए बैठे हैं। माननीय हमारे नित्यानंद जी जो हमारे मठ के मठाधीश है, बहुत अच्छा बात नहीं है ना, नहीं सुनिए अपनी बात सुनिए पहलवान जी, सुनिए मेरी बात सुनो। अरे जब दोनों मोढ़ा लगेंगे तब ना कुश्ती मानी जाएगी। अरे साहब आप हिस्से बजाने में क्यों देर करते हैं, चलो बहुत अच्छा 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 एक बैठाओ लोग कुर्सी को बैठाइए, चाचा को कुर्सी को बैठाइए। ए चाचा सुनिए चाचा जी, ए चाचा जी मेरी बात सुनिए, इनको ले आइए इधर आइए, बहुत अच्छा चलिए बहुत अच्छा बैठ जाइए इधर बैठ जाइए बैठा दीजिए। चलो तेजी बनाओ तो कुश्ती होगी, बतलते पहलवान पहलवाना बना करके बच्चन पहलवान के अखाड़े में रह करके जो है बड़ा ढीला लग रहा है। बहुत अच्छा बात,
जोरदार ताली बजाओ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गोपाल उनका पहलवान बहुत जुड़ी रहा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, उतर गए, बहुत अच्छा।